मित्रों, राहुल बाबा विरोध करते हैं। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि आपको राहुल बाबा भला ये भी मालूम है क्या, खरीफ में कौन सा क्रॉप होता है, रबी में कौन सा क्रॉप होता है, आलू जमीन के नीचे होता है या ऊपर होता है या फैक्ट्री में होता है? आपको ये भी मालूम नहीं है कि आलू कहाँ होता है? 2014 के चुनाव में जब मैं कहता था 70 से ज्यादा सीट आएगी, मेरा मखौल उड़ाता था। अखिलेश बाबू कहते थे 70 के पहले 69 आता है, मालूम है क्या अमित भाई को? मगर मैं आप सभी के कार्यकर्ताओं का आभार करना चाहता हूं। मैंने 70 कहा था, आपने 73 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का। 2017 के अंदर ऐसा ही गठबंधन बनाया, यूपी के दो लड़के इकट्ठा हो गए और एक माहौल बनाया कि अब क्या होगा। उस वक्त भी मैं कहता था कि 300 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। व्रत क्षेत्र में मैं सम्मेलन करने आया था, वही घोषणा करी थी 300 सीटों की, और आप लोगों के परिश्रम के कारण 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। और आज 2019 का माहौल है, मैं फिर से एक बार कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं, 73 की 74 करकर हुआ भतीजे की दुकान पर अलीगढ़ का ताला लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी का। एक गुंडों से ग्रस्त यूपी था, आज सारे गुंडे गले में बोर्ड लटका कर थानेदार साहब मुझे अरेस्ट कर लो, मैं गुनेगार हूं ये लटका कर घूम रहे। ये अलीगढ़ के ताले देश भर में जाते थे, आज अलीगढ़ के तालों की मार्केटिंग करने का काम योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। रात को 12 बजे भी किसी भी जनपद में 16 साल की बच्ची गहने पहनकर शादी में जा पाए, इस प्रकार के शासन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार। 10 साल तक ये यूपीए की सरकार थी, वो भतीजा की सरकार थी, केंद्र में देश की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करते। आलिया मालिया जमालिया देश के अंदर घुसते थे और बम धमाके करकर भाग जाते। देश के अंदर देश की सुरक्षा के लिए सरकार की कोई संजीदगी दिखाई नहीं पड़ती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार आई, हमारे समय के भी अंदर उरी के अंदर हमारे 10 जवानों को जिंदा, 12 जवानों को जिंदा दिया।